जय श्री भंडारा, राधे राधे। मित्रों, आप लोग टाइटल से तो समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा रहेगा, पर आज हम बता देते हैं कि आज का वीडियो हमारा करवा चौथ का रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे करवा चौथ कब है, कितने बजे चांद निकलेगा, कितने बजे से पूजन शुरू करें, और फिर हम करवा चौथ की कहानी आपको सुनाएंगे, जो इसकी कथा है, कब से प्रचलित है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि करवा चौथ की इस बार 2019 में कब है। 2019 में करवा चौथ 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। उस दिन कृतिका नक्षत्र है, गतिपाद योग है, बौ और बालक दो करण है। उस दिन रात को 7:59 एक मिनट बाकी नहीं तो 8 बजे चंद्रमा निकलेगा। ये हम आपको गणेश आपा पंचांग के अनुसार बता रहे हैं। तो मित्रों, गणेश आपा पंचांग कहाँ का है? बनारस का। बनारस के पंचांग अनुसार 7:59 यानी 7:59 तो वहाँ पर इतने बजे चंद्रमा निकलेगा। तो हो सकता है कि यहाँ आते आते उगते उगते आपके यहाँ दिखते दिखते 2-4 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है। हो सकता है आपका ज्यादा ऊंचे तल पर हो तो चंद्रमा आपको जल्दी दिख जाएगा, आप थोड़ा नीचे तल पर हो तो चंद्रमा आपको थोड़ी देर बाद दिखेगा। चलिए अब हम आपको बता दें कि 17 तारीख दिन गुरुवार को आप लोग शाम को चंद्रमा निकलने से कुछ देर पहले पूजा शुरू करेंगे। पूरा पूजा समाप्त करने के बाद हम लोग चंद्रमा का दर्शन करने के बाद व्रत को तोड़ते हैं। पत्नियां इस दिन पति को देवता समान मान करके पूजन किया करती हैं। हर माह की चौथ आती है, उसी प्रकार करवा चौथ कार्तिक की चतुर्थी आती, उसमें हम लोग पूजा किया करते हैं। तो हम आपको बताएंगे एक कथा जो करवा चौथ पर सुनी जाती है। तो मित्रों, हम किताब पर देख देख के आपको बताएंगे, आप लोग श्रवण करते रहिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को और शेयर करिए, जो आपके फ्रेंड, आपके मित्र, आपके सहपाठी, उनके पास भी शेयर करिए, ठीक है। तो हम व्रत शुरू कर रहे हैं। व्रत कुछ इस प्रकार से है, जो किताब हमारे पास है उसमें जो दिया गया है, इसमें बताया है करवा चौथ व्रत कथा, साहूकार की पुत्री की कथा बता रहे हैं। अत्यंत प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। भाई बहनों में बहुत प्रेम था, इसलिए वो साथ में बैठ करके भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक माह की चौथ का व्रत आया तो उसके सारे भाई बोले, चलो बहन भोजन करते हैं। बहन नहीं, आज मैं व्रत हूँ इसलिए मैं भोजन नहीं कर सकती। तब भाइयों ने सोचा आज बहन का व्रत है, और उसने बोला कि मैं करवा चौथ व्रत हूँ इसलिए भोजन नहीं करूंगी। तो भाइयों ने देखा कि चंद्रमा उदय होने पर ही उसकी बहन खाएगी। उनको लगा कि कुछ करना चाहिए, उसकी बहन बहुत भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दीपक जलाया, दूसरे ने उसे ढका और नकली चंद्रमा बना करके बहन से कहने लगे, देख बहन चंद्रमा निकल आया, उसको अर्घ दे दे जल्दी से और भोजन ग्रहण कर ले। तो उसकी भाभियों ने कहा कि अभी चंद्रमा नहीं निकल रहा, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों का कहना मान लिया और बोली कि नहीं चंद्रमा निकल आया, तो रात्रि को उदय होगा। लेकिन उन्होंने अपने भाभी का कहना नहीं माना और सीधे जा करके सूर्य चंद्रमा को जल दे करके अर्घ दिया और प्रथम ग्रास खाई। जैसे पहला ग्रास, मतलब पहला कौर उसने खाया, खाते ही उसके पहले ग्रास में एक बाल आ गया। आपको बता दें हमारे सनातन धर्म में बाल भोजन करते समय हाथ में आना भी अपशगुन माना जाता है। और आगे बता रहे हैं कि जैसे उसने दूसरा ग्रास खाया, दूसरा ग्रास खाते समय कंकड़ आया, तीसरा ग्रास उसने मुंह की ओर किया कि उसके ससुराल से संदेश आ गया कि उसके पति की बहुत बीमारी हालत है, वो बहुत सीरियस है, बचे कि ना बचे। संदेश आया और उन्होंने कहा शीघ्र उसको अपने ससुराल जाना चाहिए। माँ ने जब पुत्री को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छू लेना और
कोई सुहाग का आशीर्वाद है तो उसको पल्लू में गांठ करके और कुछ पैसा दे देना। जब बहन भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उससे प्रणाम करके आशीर्वाद ली। उन भाइयों की बहन और सब लोगों ने आशीर्वाद दिया उसे कि तुम सात भाइयों की बहन सदा सुखी रहो और तुम पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहे, तुम अपने भाइयों को सुख देखो। इस प्रकार से कई लोगों ने रास्ते में आशीर्वाद दिया, जो जान पहचान के थे, जो अच्छे लोग थे, सबको वो प्रणाम की, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, पर उसको किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। फिर जब वह ससुराल पहुंची तो द्वार पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके पैर छुई तो उसने कहा, सुहागिन रहो, सपूतो हो, फूलो फलो। तो इतना कहने के बाद उसने गांठ लगाई और पल्लू में बांध लिया, उसको कुछ पैसे दे दिए। इस प्रकार के छोटी बहन छोटी ननद के सुन करके जब साहूकार की पुत्री भीतर गई तो उसकी सास ने कहा कि तेरा पति जमीन पर पड़ा है। यह सुनकर वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ चना बचा कुचा भोजन भेज दिया। इस प्रकार के समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आ गई, एक महीना उसका पूरा हुआ। चौथ माता बोली, करवा ले ले, करवा ले ले। इस प्रकार से जब बोली तो सात भाइयों की प्यारी बहन करवा ले ली। इस प्रकार से चौथ माता के बोलने पर, लेकिन जब उसे करवा माता नहीं दिखाई दी तब वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा कल्याण करेंगी, आपको मेरा सुहाग वापस करना होगा। इस प्रकार से चौथ माता से उसने कहा। और यह सुनकर चौथ माता ने कहा, हे पुत्री सुनो, पौष की चौथ आएगी जो एक महीना, उससे तू कहना वो मुझसे बड़ी है और तुम्हारा सुहाग दे देगी। इस प्रकार से चौथ कह करके चली गई। पौष की चौथ आई, आकर चली गई। माघ की चौथ आई, फाल्गुन की, चैत की, बैसाख, जेठ, अषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, इसी तरह सारी चौथ आई और करवा लेने की जगह दिया नहीं और वापस चली गई। जो उस चौथ ने कार्तिक को अप्रसन्न किया था उससे कार्तिक की चौथ रुष्ट हो गई थी, इसलिए किसी ने उसकी नहीं सुनी। असौज की चौथ आई, उसने बताया कि तुमने कार्तिक की चौथ अप्रसन्न की है, इसीलिए तुम्हें सुहाग वापस नहीं मिला और तुम्हें वही कार्तिक की चौथ सुहाग वापस दे सकती है। आगे वह आगे आए तो पैरों में गिर करके विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना, यह समझना कि वह चली गई तो समझ लेना तुम्हारा सुहाग कोई वापस नहीं कर सकता। इस प्रकार से उसने बताया। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह बहुत गुस्से में थी और बोली, सात भाइयों की बहन करवा ले ले। इस प्रकार से कार्तिक की चौथ उस साहू की पुत्री से कही तो साहू की पुत्री व्रत खंडित करने वाली करवा ले ले। इस प्रकार से जब चौथ माता ने कहा तो यह सब देख करके गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हे माता, मेरा सुहाग आपके हाथों में है, मुझे सुहागिन करें। इस पर चौथ माता ने कहा, पापिन, मेरे पैर पकड़ के क्यों बैठी है। इस प्रकार की डांट सुन गई। यह सुनकर के साहूकार की पुत्री ने कहा, मुझसे जो भूल हो गई है उसे माफ कर दो माँ, आज के बाद कोई ऐसी भूल मैं नहीं करूँगी, मेरा सुहाग मुझे वापस दे दो माँ, मुझे तो आपका ही सहारा है। साहूकार की पुत्री के वचनों से प्रसन्न होकर के कोमल नेत्र वाली माँ ने उनको सुहाग वापस देने के लिए नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली दे करके छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा मारा तो वह उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि आज तो बहुत सोया। इस प्रकार से साहूकार का पुत्र कहकर के खड़ा हो गया, किसी ने जगाया तक भी नहीं, मैं इतना देर तक सो गया। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, क्या सोए, मुझे तो 12 मास हो गए, जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग वापस किया, आज जाकर के मेरी दिन वापस आए हैं। इस प्रकार से उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा जल्दी ही चौथ माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से
दासी आई, उसने उन दोनों को पासे के पौपट क्रीड़ा करते देखा तो उसने उसकी सास से जाकर खबर सुनाई। तभी से सभी गांव के गांव में यह चर्चा फैल गई कि सारी स्त्रियां, सारी सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करें, उनका सुहाग अखंड हो जाएगा। और जिस प्रकार चौथ माता ने साहूकार की पुत्री को उसका सुहाग वापस दिया, उसी प्रकार चौथ माता सभी को अखंड सुहाग रखें, यही करवा चौथ के उपासना की सनातन महिमा है। इस प्रकार से साहूकार की पुत्री का कथा आप लोगों ने श्रवण किया। यदि अच्छा लगे हमारा वीडियो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और यदि आप लोग का कोई किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट करके बेशक पूछ सकते हैं। गोपाल पंडित जी का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।